ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले पर पूर्व रक्षा मंत्री के एंटनी को घेरने की तैयारी। रक्षा मंत्रालय की स्पेशल टीम कर रही है हजारों पन्नों वाली 40 से ज्यादा फाइलों की जांच। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने फाइलों की जांच में लगे अधिकारियों की ली बैठक। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के लिए तैयार किए सवालों की फहरिस्त। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की टीम जांच में सीबीआई और ईडी भी कर रही है मदद। जांच एजेंसियों को रक्षा सौदों की तकनीकी बातें समझने में मदद कर रही है टीम। सौदे की जांच सीबीआई को सौंपने में देरी पर भी एंटनी से पूछे जाएंगे सवाल। सूत्रों के मुताबिक फरवरी 2012 में घूस कांड की भनक लगने के बावजूद यूपीए सरकार ने नहीं लिया था एक्शन। जांच के आदेश में देरी से कांग्रेस का इनकार। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा जैसे ही धांधली का पता चला एंटनी ने बिठा दी थी जांच। अगस्ता डील को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना। पूछा किसके इशारे पर किया गया टेंडर से छेड़छाड़। अगस्ता केस में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष की बढ़ेगी मुश्किलें। ईडी ने पूछताछ के लिए एसपी त्यागी को जारी किया समन। एयर मार्शल जेएस गुजरात से भी होगी पूछताछ। पश्चिम बंगाल में पांचवें चरण की वोटिंग शुरू। 53 सीटों के लिए चल रही है वोटिंग। ममता बैनर्जी समेत 349 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। महिला उम्मीदवार भी दौड़ में शामिल। दिल्ली में ऑड इवन के दूसरे दौर का आज आखिरी दिन। सेकंड फेज के नतीजे के विश्लेषण के बाद लिया जाएगा तीसरे फेज पर फैसला। परिवहन मंत्री गोपाल राय का ऐलान। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने ऑड इवन पर उठाए सवाल। कहा फेल हुआ फॉर्मूला। लोक अभियान सर्वे रिपोर्ट का दिया हवाला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह नक्सल प्रभावित बस्तर का बाइक से करेंगे दौरा। आदिवासियों के बीच चौपाल लगाकर किया समस्या का निपटारा। कहा नक्सल ग्रस्त इलाकों में बाइक से सफर जारी रखेंगे। यूपी के संत कबीर नगर में बदसा गांव में तेंदुए से दहशत। तेंदुए के हमले में बुजुर्ग जख्मी। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया लेकिन नहीं फंसा तेंदुआ। हरियाणा के हिसार के सैनियान मोहल्ले में दुर्घटनावश चली गोली से दूल्हा जख्मी। दूल्हे के दोस्त की रिवॉल्वर से चली गोली। यूपी के मथुरा के गांव नगला आश्रम में दो युवकों का ड्रामा। पानी की समस्या के खिलाफ टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी। तहसीलदार के आश्वासन के बाद खत्म हुआ ड्रामा। 50 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाईवे पर गाड़ी लूटने वाले 9 बदमाशों को पकड़ा। लूट के लिए लुटेरे नीली बत्ती वाली गाड़ी का करते थे इस्तेमाल। चेकिंग के नाम पर लूटते थे गाड़ी। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में महिला की बहादुरी से ठग गिरफ्तार। एटीएम आने वाली महिलाओं को निशाना बनाता था आरोपी। दिल्ली के नागलोई इलाके में दुकान के बाहर बाइक लगाने पर दुकानदार और उसके लड़कों ने युवक को बेरहमी से पीटा। अस्पताल में युवक की मौत। दिल्ली के रोहिणी में 4 लुटेरों ने मेडिकल स्टोर को बनाया निशाना। गल्ला में रखे 30,000 कैश लेकर हुए रफू चक्कर। कार से आए थे बदमाश। यूपी शाहजहांपुर में नायब काजी पर एक बच्ची से अश्लील हरकत का आरोप। वीडियो वायरल होने से हड़कंप। फरार नायब काजी पर केस दर्ज। यूपी के बहराइच के परसोहर गांव में लड़की ने मंडप से लटाई बारात। लड़के वालों पर दूल्हे की गलत तस्वीर दिखाने का आरोप। उत्तर प्रदेश में जालौन के एक गांव में दलितों के बहिष्कार की खबर। धार्मिक अनुष्ठान के बाद भंडारे में पूरी छूने पर गांव ने किया दलितों का हुक्का पानी बंद। गाजियाबाद में जड़ी बूटी बेचने की आड़ में हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। मेरठ में कोल्ड ड्रिंक्स के बहाने नशीली दवा पिलाकर 2 युवकों ने किया महिला से रेप। पीड़िता का आरोप। रेप के बाद 50,000 रुपए भी लूट गए आरोपी। यूपी के कासगंज में रिटायर्ड एसडीएम रामोतार गुप्ता की हत्या। दुकान से लाखों का माल लेकर फरार हुए लुटेरे।
जालंधर में 16 फरवरी को शिवसेना नेता दीपक कंबोज पर हमले। हमले पर नया खुलासा, पुलिस ने कहा सुर्खियों में आने के लिए कंबोज ने खुद पर ही चलवाई थी गोली। जालंधर में 16 फरवरी को शिवसेना नेता दीपक कंबोज पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने कहा सुर्खियों में आने के लिए कंबोज ने खुद पर ही चलवाई थी गोली। पंजाब गुरदासपुर के गांव मुलियवाल में बहू ने ससुर का किया कत्ल, चरित्र पर सवाल उठाने पर हुआ था झगड़ा। अमृतसर में पुलिस वालों की आंखों में स्प्रे डालकर फरार हुआ कैदी लवप्रीत, पेशी के लिए अमृतसर लाया गया था। जिरकतपुर से अगवा नौजवान को बटाला पुलिस ने गैंगस्टर के चंगुल से छुड़ाया, 3 किडनैपर गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 157 पासपोर्ट और फर्जी वीजा भी बरामद। मुरादाबाद जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में अव्यवस्था, डीएम जुहैर बिन सगीर ब्लड बैंक इंचार्ज को उन्होंने लगाई फटकार, 1 महीने का वेतन रोकने का दिया आदेश। जम्मू से 6 महीने के लिए श्रीनगर शिफ्ट हुआ दरबार, 1872 से चली आ रही है दरबार शिफ्ट करने की परंपरा। जैसलमेर में पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं ने निकाला मार्च, भारत माता की जय के लगाए नारे। अहमदाबाद में शुरू हुआ 3 दिनों का एयर शो, विमानों का करतब देखने उमड़े लोग। गुरु अर्जुन देव की जयंती पर रोशनी से नहाया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, शानदार आतिशबाजी ने मनमोहा। आईपीएल में गुजरात लायंस की जीत का सिलसिला जारी, राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स को 3 विकेट से हराया। आईपीएल में 7 मैचों में गुजरात की जीत, इतने ही मैचों में धोनी की टीम 5 मैचेस हारी। पुणे ने गुजरात को दिया था 196 रनों का टारगेट, मैन ऑफ द मैच ड्वेन स्मिथ की 37 गेंदों पर 63 रनों की आतिशी पारी ने गुजरात को दिलाई जीत। पुणे से बेकार गया स्टीव स्मिथ का शतक, स्मिथ ने 54 गेंदों पर खेली थी 101 रनों की पारी। आईपीएल विशाखापट्टनम होगा पुणे और मुंबई का होस्ट, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में फैसला। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले, दिल्ली का मुकाबला कोलकाता से और हैदराबाद का बेंगलुरु से। आज होगी करण सिंह ग्रोवर के साथ फिल्म अभिनेत्री विपाशा बसु की शादी, शुक्रवार रात हुआ मेहंदी समारोह, पति और बहन के साथ मेहंदी में पहुंची शिल्पा शेट्टी। सामने आया अभिनेता अक्षय कुमार की बॉडीगार्ड की बदसलूकी का वीडियो, सेल्फी ले रहे फैन को मारते कैमरे में कैद हुआ बॉडीगार्ड, अक्षय ने बॉडीगार्ड को दी चेतावनी। सलमान खान की 6 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म सुल्तान का नया पोस्टर जारी, पोस्टर में दिख रही है अनुष्का। हेलीकॉप्टर सभी 13 सवारों के मारे जाने की खबर। फ्लोरिडा के जैक्सनविले में हथकड़ी में महिला को मारने पर पुलिस अफसर सस्पेंड, बार में बिना इजाजत घुस गई थी महिला। लिस्बन समेत पुर्तगाल के 3 शहरों में उबर कैब के खिलाफ बड़ा आंदोलन, 6,000 टैक्सी चालकों ने लगाया जाम, प्रदर्शनकारी टैक्सी चालकों ने उबर पर लगाया गैर कानूनी ढंग से टैक्सी चलाने का आरोप। इंडिक्स गेम्स को प्रमोट करने के लिए प्रिंस हैरी ने बराक ओबामा को ट्वीट किया वीडियो, मजाकिया वीडियो में महारानी के साथ दिख रहे हैं प्रिंस हैरी।
एथेंस से लुस्साने पहुंची ओलंपिक मशाल, IOC अध्यक्ष ने जताई कामयाबी की उम्मीद।